नमस्कार, मैं हूं नीलू। मयंक, यहां पर सवाल ये भी उठता है, सऊदी अरब को लेकर भी, उसके स्टैंड को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकर इसराइल के माथे पर चिंता की लकीर या अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीर है, जरा वो भी समझाइए कि किस तरह से। ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। देखिए, ईरान की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि रेड सी में जल्दी ही सऊदी अरब के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है ईरान, और इस खबर की सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है। देखिए, ईरान और सऊदी अरब ये इस रीजन में जो है एक दूसरे के अगेंस्ट लंबे समय से खड़े हुए हैं, दोनों धुरी माने जाते हैं। जितने विवाद हैं यहाँ पे, एक छोर पे जो है सऊदी अरब खड़ा है, दूसरी तरफ ईरान खड़ा हुआ है। लेकिन ये पहला मौका है, और वो भी देखिए इसराइल इस वॉर के बीच में, ये ईरान की तरफ से इस तरह की बात सामने आई है कि रेड सी में सऊदी अरब के साथ हम वॉर ड्रिल कर सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेके रियाद ने, सऊदी अरब की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, वो खामोश है। लेकिन अगर इस तरह की बात सामने भी आती है तो देखिए ये एक इसराइल के लिए बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी तरह का युद्ध ईरान से होता है तो उसमें सऊदी अरब के जो एयर बेसिस हैं उसका इस्तेमाल होना, जॉर्डन का इस्तेमाल होना, यूएई का इस्तेमाल होना तय है। इनका, इनके बेसिस का इस्तेमाल किए बिना बड़ा हमला ईरान पे करना मुश्किल है। तो ऐसे समय में अगर इस तरह की कोई चर्चाएं सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के साथ ईरान रेड सी में जो है वो वॉर ड्रिल कर सकता है, तो ये बड़ा हैरान करने वाली बात है। और इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि भाई क्या सऊदी अरब ईरान को लेकर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, और वो भी इन हालात में जब इसराइल पे लगातार हमले हो रहे हैं, इसराइल जो है वो एक प्रकार का युद्ध छेड़े रखा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प खबर है। और देखिए, ये जो प्रॉक्सी संगठन है जिसकी आप बात शुरुआत जहां से आपने की थी कि चक्रव्यूह वाली बात है, देखिए जब से नसरल्ला की मौत हुई और उसके बाद सैफुद्दीन जो उनके उत्तराधिकारी थे, नंबर टू थे, इनकी डेड बॉडी उसी जगह से मिली है जहां पे नसरल्ला छिपे हुए थे, उसी में मलबे के नीचे से इनकी भी डेड बॉडी मिली। अच्छा। है और इनकी मौत की पुष्टि हो गई, और बात सामने आने के बाद से बताया जा रहा है कि जितने प्रॉक्सी संगठन हैं उन्होंने एक बार पूरी ताकत के साथ फिर से इसराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो ये जो रिसेंट हमले देखे हमने पिछले 48 घंटे के, उसकी एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है। जब से इसराइल पर हमला हमास ने किया तब से लेकर अभी तक बहुत सारी बातें आई, सीज फायर की बातें आई, ये बात कही गई कि देखिए अब युद्ध विराम होना चाहिए, बंधकों को छोड़ा जाना चाहिए, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, ये तमाम बातें तो होती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बात ये हो रही थी कि इसराइल कोई बड़ा हमला ईरान के ऊपर करेगा, लेकिन अब तक वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, वो हिजबुल्ला पर या फिर हमास पर या हुती को किसी तरह से टारगेट हो रही है, अमेरिका की तरफ से हुती को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ईरान को अब तक टारगेट नहीं किया गया। ये एक सवाल उठता है इस चीज को लेकर, क्या इसराइल भी, उसे भी डर है ईरान पर अगर हमला करेगा तो फिर उसके लिए, उसके देश के लिए भी बेहतर। देखिए, एक साथ कई फ्रंट्स खोलना जो है वो नेतन्याहू के लिए भी बिल्कुल, इसराइल के लिए ठीक नहीं है। देखिए, आप हिजबुल्ला की तरफ जो है, लेबनान में आपका युद्ध चल रहा है, गजा में अभी तक आपके बंधक हैं, उनके बारे में आपको कोई क्लू नहीं है कि वो कहाँ पे नहीं है, हुती अलग अटैक कर रहा है, इस्लामिक रेजिस्टेंस समेत जो बाकी के जो प्रॉक्सीज हैं वो हमला कर रहे हैं, तो आप इस फ्रंट्स पे लगातार फंसे हुए हो। ऐसे में ईरान पे अगर आप हमला करते, देखिए एक ये बात बड़ी इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि हो सकता है इसराइल जो है वो एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन करे, जिसमें मतलब सीधा हमला ना करना पड़े ईरान पे, और ऐसा बताया जाता है कि जो खामेनेई है वो अब इसराइल के टारगेट पे है। ये एक बड़ी बात निकल के सामने आई, खासकर ये नेतन्याहू के घर पे जो ड्रोन अटैक हुआ, इसने जो है बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं इसराइल की आयरन डोम और सुरक्षा व्यवस्था पे। आप देखिए, ड्रोन जो है वो नेतन्याहू के घर के ऊपर तक आ जाता है और उससे अटैक हो जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सुरक्षा लैप्स था इसराइल का, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि जो हिजबुल्ला के जैसे टॉप लीडर्स को जिस तरह से निशाना बनाया गया, इसी तरह का कोई कोवर्ट ऑपरेशन खामेनेई के खिलाफ जो है वो हो सकता है। अब इसमें देखिए, कई सारे ऐसे संगठन हैं जो ईरान में हैं, जो ईरान की सरकार से और खामेनेई से खुश नहीं है, ये बगावत करने वाले संगठन है। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, एक एमई के संगठन है, एक पीडीकेआई है, एक पीजेएके है, एक जैश अल अदल संगठन है, और वैसे एक एएसएमएलए संगठन है, इसको सऊदी अरब और यूएई का समर्थन है। ये वो संगठन है ईरान के जो वहाँ की सरकार और खामेनेई से खुश नहीं है, और समय बीच बीच में इनकी तरफ से बगावत होती रहती है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इसराइल और नेतन्याहू इनके समर्थन से ईरान में कोई एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं और निशाने पर होंगे खामेनेई। ये तो बहुत सारी ऐसी वजह है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, अभी भी इसराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, हिजबुल्ला की तरफ से हमास भी
गाहे बगाहे हमले करता रहा है इसराइल पर, और उधर से हुती के भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में जिस चक्रव्यूह की बात हो रही है और इस युद्ध में बनते बिगड़ते समीकरणों की बात भी हमने आज की है, तो किस तरह से ये जो पूरे हमले हैं या युद्ध है किस दिशा में जा रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ।